बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेवन क्लास साइंस उर्दू मीडियम की बुक का चैप्टर नंबर 2 इंसानी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आपके सामने है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे कोई दोस्त इस चैनल को पढ़ने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गैसों का तबादला होता है फेफड़ो में, ब्रोंकोलिया में, एलोयुलाई में। इसम का जवाब है एलोयुलाई में। ट्रेकिया इन दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है ब्रोंकाई में। दिल का वो हिस्सा जो खुराक से आने वाले खून को हासिल होता है बाय एट्रियम कहलाता है। बाय एट्रियम में खुलता है बाय वेंट्रिकल। डाई एट्रियम में खून होता है डी ऑक्सीजनेटेड। खून की वो नालियाँ जो खून को दिल से दूर लेकर जाती है आर्टरीज कहलाती है। एरोबिक एस्पिरेशन का अमल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ईस्ट में एनोरोबिक एस्पिरेशन के दौरान एनर्जी के साथ साथ एथानोल और कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है। जिसम में खून और टिश्यू के दरमियान मवाद का तबादला कैपिलरीज के जरिए होता है। दर्जा जहर में से खून के जमने में अहम किरदार अदा होता है प्लेटलेट्स में। ऑक्सीजन खाने के साथ तवानाई के अखराज के लिए कहाँ तामुल करती है? ऑक्सीजन तवानाई के अखराज के लिए खुराक के साथ तामुल माइक्रोकॉन्ड्रिया में करती है। खुराक और ऑक्सीजन को डिसरेशन की जगह तक कैसे पहुंचाया जाता है? खुराक और ऑक्सीजन खून के जरिए एस्पिरेशन की जगह तक पहुंचाई जाती है। रेस्पिरेशन के अमल में बनने वाली मसनूआत कहाँ मुंतकिल होती है? रेस्पिरेशन के नतीजे में बनने वाली चीज़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड को माइटोकॉन्ड्रिया से खून के जरिए फेफड़ों में मुंतकिल किया जाता है ताकि उसे सांस के जरिए जिस्म से बाहर निकाला जा सके। आपने फ़र्क बताना है जी एरोबिक और एनारोबिक एक्सपायरेशन का। एरोबिक एक्सपायरेशन ये अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। एरोबिक एक्सपायरेशन के अमल में बड़ी मकदार में तवानाई खारिज होती है। एरोबिक एक्सपायरेशन के प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। एनारोबिक एक्सपायरेशन पे अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। एनारोबिक एक्सपायरेशन के अमल में थोड़ी मकदार में तवानाई खारिज होती है। एनारोबिक एक्सपायरेशन में इलेक्ट्रिक एसिड मसल्स में एथानोल और कार्बन डाइऑक्साइड बीस्ट में पैदा होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जानवरों में एरोबिक एक्सपायरेशन करने के अमल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है जिसके नतीजे में तवानाई की बड़ी मकदार पैदा होती है। जानदार माहौल से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन का बाई प्रोडक्ट है। इससे जानवरों में फेफड़ों से और पौधों में स्टोमेटा के जरिए खारिज किया जाता है। सांस लेना और एक्सपायरेशन। सांस लेने का अमल हवा को सांस के जरिए अंदर लेकर जाना और बाहर लेकर आना है। ये अमल फेफड़ों के हेलोजुलाई में होता है। सांस लेने का मकसद जिस्म के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन फ्राहम करना और सेल्स में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से निजात हासिल करना है। रिस्पायरेशन बहुत से तामुलात का मजमुआ है जिसमें खुराक से एनर्जी को हासिल किया जाता है और हर तामुल एक खास एंजाइम की मदद से मुकम्मल होता है। ये अमल सेल्स के माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। रिस्पायरेशन का मकसद ज़िंदगी की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जिस्म को तवानाई फ्राहम करना है। आर्टरीज और वेंस। आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती है। मोटी दीवार वाली नालियाँ है। हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। वाल्व नहीं होते। वेंस खून को दिल की तरफ लेकर आती है। पतली दीवार वाली नालियाँ है। कम ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। वेन में वाल्व होते हैं। कैपिलरीज और एलोजुलाई। कैपिलरीज जिस्म के सेल्स और खून के सेल्स के दरमियान मवाद के तबादले के जरिए सतह रकबा फ्राहम करती है। वो सेल्स को ऑक्सीजन और गजाई अज़ा फ्राहम करते हैं और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और दिगर फजला इकट्ठा करते हैं। एलोजुलाई फेफड़ों में हर ब्रोंकियोल हवा की थैलोलाई एलोलकिक के एक ग्रुप में ख़त्म होता है। एलोजुलाई की मौजूदगी की वजह से फेफड़े स्पॉन्जी या मसामदार नजर आते हैं। फेफड़ों में लाखों एलोजुलाई पाए जाते हैं। वो खून की कैपिलरीज के घने नेटवर्क से घिरे होते हैं। अपने मुख्य जवाब देना है। रिस्पायरेशन लेने के निज़ाम में शामिल जिस्म के अज़ा के नाम बताएं तो है नाक या मुंह, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल। फेफड़ों में एलोजुलस खून की कैपिलरीज। एनारोबिक एक्सपायरेशन के नतीजे में मसल में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बताएं तो वो प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। खून के मुख्तलिफ सेल्स के नाम बताएं तो वो है जिस सफ़ेद खून के सेल्स या ब्लेडलेट्स। खून में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? खून में ऑक्सीजन फेफड़ों में मौजूद एलोजुलाई से आता है। इंसानी दिल के मुख्तलिफ खानों के नाम बताएं तो वह जी बाई एट्रिया, डाई एट्रिया, डाई वेंटिकल और बाई वेंटिकल। आपने जवाब देने हैं इंसानी दिल और खून की नालियों में मुख्तलिफ वाल्व्स के फाल बयान करें। दिल में एट्रिया से वेंटिकल तक खून के भाव को वाल्व्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है जो खून को वापस आने से रोकते हैं। ज़्यादातर खून के नालियों में अंदरूनी वाल्व मौजूद होते हैं जो खून को वापस आने से रोकते हैं।
इंसानी दिल कैसे काम करता है। दिल का फॉल दाई एट्रिया में दो वेंटिकल्स के जिस्म के ऊपरी हिस्से और जिस्म के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड यानी के कम ऑक्सीजन वाला खून मिलता है। बाई एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून हासिल करता है और दोनों एट्रिया एक ही वक्त में सिकुड़ते हैं। और बाई एट्रियम से बाई वेंटिकल तक और दाई एट्रियम से दाई वेंटिकल तक खून को पम्प करते हैं। दर्जैल के साख्त और फाल के अपमजात करनी है आर्टरीज, खून की वो नालियाँ जो खून को दिल से दूर ले जाती है इन्हें आर्टरीज कहते हैं। ए और टा एक अहम आर्टरीज है, इसकी शाखें छोटी आर्टरीज बनाती है। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती है जबकि एक आर्टरी तांग हो जाती है तो इसका ल्यूमन तांग हो जाता है और एक खास वक्त में इसमें से कम खून बहता है। आर्टरीज में वाल्व नहीं होते, ऐसी जगह जहाँ आर्टरीज चल के करीब होती है इन जगहों पर फैलाव को नब्ज के तौर पर महसूस किया जा सकता है। नब्ज हमें दिल की धड़कन की रफ्तार को बताती है। खून की आर्टरीज में खून ज्यादा प्रेशर तक बहता है। वेंस, वेंस खून को वापस दिल तक लेकर जाती है। जब खून किसी वेंस में पहुंचता है तो यह आहिस्ता आहिस्ता बहता है, लिहाजा वेंस की दीवारें आर्टरीज की तरह मोटी और फैलने वाली नहीं होती। वेंस का ल्यूमन बड़ा होता है, ज्यादातर वेंस में खून को वापस आने से रोकने के लिए अंदरूनी वाल्व भी होते हैं। कैपिलरीज, आर्ट्स की शाखें दोबारा आर्टियूल्स बनाती है। शरियाने तकसीम होकर छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज खून और टिश्यू के दरमियान मादों के तबादलों के लिए वरासत जगह फ्राहम करती है। कैपिलरीज बहुत पतली दीवारों वाली नालियाँ होती है जिनके जरिए खून और टिश्यू के दरमियान मवाद का तबादला होता है। सांस लेने के निज़ाम में सीने और पसलियों के मसल्स के किरदार की अपनी वजाहत करनी है। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियों के मसल्स सिकुड़ जाते हैं, पसलियों को ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं जिससे सीने की क्यूविटी फैल जाती है। एक ही वक्त में डायाफ्रेम सिकुड़ता है और चिपटा हो जाता है। सीने की कैविटी के अंदर की जगह बड़ी हो जाती है जिसके नतीजे में हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है, इससे इंस्पायरेशन कहते हैं। इस अमल के ओल्ड को एक्सपायरेशन कहा जाता है। लिहाजा सीने और पसली के मसल्स की हरकत हमें सांस लेने में मदद देती है। खून की कंपोजिशन बयान करें, हमारे खून में प्लाज्मा का 55% हिस्सा होता है। प्लाज्मा में 45% खून के खुलिए हर वक्त हरकत में रहते हैं। प्लाज्मा 92% पानी पर मुश्तमिल होता है। फाइबरनोज यानी खून को जमात देने वाली प्रोटीन और खून के खुलियात के बगैर प्लाज्मा सीरम कहलाता है। जलने और एस्पायरेशन के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। अपने जलने का अमल एक ही मरहले पर मुश्तमिल होता है। जलना एक फैजियो केमिकल अमल है। जलने का अमल मादा में होने वाली एक कीमिया तामुल है। जलने का अमल खुले माहौल में होता है। रिस्पायरेशन कीमिया मरहल का सिलसिला है। रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल अमल है। रिस्पायरेशन एक ऐसा कीमिया अमल का सिलसिला है जो हर जानदार में पाया जाता है। रिस्पायरेशन का अमल माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। खून का सर्कुलेटरी सिस्टम सेल में होने वाली रिस्पायरेशन में अहम किरदार अदा करता है। बताए कैसे? खून गैसों को टिश्यू के सेल तक पहुँचाता है और टिश्यू के दरमियान गैसों का तबादला अंदरूनी रिस्पायरेशन कहलाता है। सेल्स अपनी मखसूस सरगर्मियों के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। सवाल है जी, नेक्स्ट, एनोरॉबिक रिस्पायरेशन इस वक्त होती है जब जिस्म को एनोरॉबिक रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की पूरी मकदार नहीं मिल पाती। मिसाल के साथ ही सूरत हाल की वजाहत करें कि इंसानी जिस्म में एनोरॉबिक रिस्पायरेशन का बोर कहाँ होती है। हमारे मसल्स आमतौर पर एरोबिक तरीके से रिस्पायरेशन करते हैं। जब हम तेज़ी से दौड़ते हैं तो मसल्स को एरोबिक तरीके से रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की पूरी मकदार दस्तियाब नहीं होती, जिसके नतीजे में हमारे मसल्स रिस्पायरेशन करते हैं जिससे हमारे मसल्स में इलेक्ट्रिक एसिड पैदा होता है। ये था मेरे पास 7 क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2।